ये गाड़ी ली ही है इंडिया और इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए। आदमी तो कोई खड़ा नहीं है, खड़ा होगा तो दब जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो V6 ट्विन टर्बो 6.5 का एवरेज। कि लैंड एल सी जा रही, कोई मंत्री जा रहा है। हाँ। पर रेड आप बत्ती लगा दो और इसमें हूटर लगा दो। हाँ। कोई नहीं रोक, कोई नहीं रोकेगा, मैं कह रहा हूँ। आप सुबह सुबह आज जल्दी उठ गया था मैं, फिलहाल बज रहे हैं 10, रेडी भी हो गया हूँ और घर पे पानी नहीं आ रहा। पता नहीं सुबह सुबह क्या जाम है यार, हाँ पानी नहीं आ रहा। जो बचा था ना वही यूज़ किया, नहाने के लिए था। ओ स्कूबी, तेरी तबीयत क्यों खराब हो गई? भाई इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, ये ना 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही है। स्कूबू, ओ स्कूबू, ओ स्कूबू, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? सुबह सुबह ना अलग अलग नाटक होता रहता है यार। बताओ, पानी चला गया अचानक से, जैसे नॉर्मली जाता नहीं है। पता है इसमें एक चीज़ क्या है, ये करोगे ना तो गाड़ी खुल जाएगी। ये देखो वो कर दा, छूने से ना, टच करने से, फीलिंग सेंसिटिव है ना। आपको सच्ची बताऊं तो अभी तक ना हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है ना वो पेंडिंग है। आइडियली आज हमें ना रोड ट्रिप पर निकलना था। अब बिना इंश्योरेंस के, देखो इंश्योरेंस तो है लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जो अपने को चाहिए ना, जीरो डैप और ये वाला वो नहीं है। भाई कितनी हाइट पे बैठे हैं यार। बंद करूँ गेट? छोड़ दूँ, बंद कर देता हूँ यार, गाली पड़ेगी। चलो एक बार गेट बंद करके आता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि भाई आज हमें ना सुबह सुबह ट्रिप पे निकलना था। इनफैक्ट पैकिंग के लिए ना सारे कपड़े रेडी थे, बस मेरे को कपड़े बैग में डालने थे, पटकने थे, और बैग पटकना था गाड़ी में और निकल जाना था ट्रिप पे। बट क्या है ना कि इंश्योरेंस वाला काम ना अभी तक नहीं हुआ है भाई, अभी तक नहीं हुआ है। और उसमें क्या पंगा रहा है, अब भाई इसकी ना डिजिटल आरसी आ गई है, ठीक है। हेलो जी गौ माता, हट जाओ प्लीज़। डिजिटल आरसी आ गई है, डिजिटल आरसी मैंने दे दी। अब क्या है ना, आरसी कल प्रिंट हुई है इसकी, HR70 वाला जो नंबर आया था उसकी आरसी कल प्रिंट हुई है। और नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहता है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब भाई HDFC वाले पता नहीं क्या क्या झाम पाल रहे, कह रहे जी नंबर आएगा तब होगी। मैंने कहा अरे यार, नंबर मैंने डिजिटल आरसी दे दी आपको, हर एक चीज़ दे दिया, आरसी प्रिंट हो गई, आज आरसी भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, आरसी भी दे दूंगा। नहीं जी, ये है वो है, 2 बार सर्वे हुआ HDFC से और दोनों बार भाई इनको कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा दिया। चलो अपना जो पॉलिसी है वो तो करेंगे, जो पॉलिसी है उसके ओवर एंड अबव जाके कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो अभी एक ना दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आया, तो वो अभी सर्वे के लिए आया हुआ है और इसीलिए हम सुबह सुबह ऑफिस जल्दी जा रहे हैं। प्लस आज थोड़ी भाई ये वाला जो मैंने ये लगाया ना वो थोड़ा हिल रहा है, हिल रहा है गड्ढों पे जाने से, हिल रहा है, आइडियली हिलना नहीं चाहिए। तो अभी फटाफट जाते हैं और भाई को कहते हैं कि भाई कर दो ताकि हम रात में निकल जाएं। इसी व्लॉग में हो सकता है आपको बता दें हम कि जी हम निकल रहे हैं फाइनली। हम भी बहुत वेट कर रहे हैं LC से पहले रोड ट्रिप का, और इसकी सर्विसिंग भी कल हमने इसीलिए भगदम भगदम में कराई कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब दिक्कत होगी तो इंश्योरेंस की होगी, वो हम कर रहे हैं कोशिश, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट द इंश्योरेंस डन। चल रहा है भाई काम, हाँ भैया को जो फ़ोटो वोटो अपलोड करना है वो कर रहे हैं। पहले तो वहाँ पे गाड़ी लगी थी, भैया ने कहा कि भाई वहाँ से हटा लो, ऐसा लगेगा कि सर्विस सेंटर में कुछ काम होने आए। मैंने कहा भाई मेरा खुद का है, हाँ खुद की गाड़ी भी नहीं लाऊं। भैया ने कहा नहीं किनारे लगा लो, हमने कहा जी लगा लेते हैं, जैसा आप बोलो, अभी तो आप माई बाप हो। चलो ठीक है, ये फ़ोटो वोटो बना रहे हैं, ठीक है हम भी फ़ोटो बना रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं, नहीं सॉरी वो वीडियो बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। भाई गाड़ी लगती बहुत तगड़ी है यार सही में। अरे यार शीशा क्यों खोल दिया भैया, अंदर मिट्टी जाएगा भैया। ये देखो भाई, अब मैं खुद भी सर्वे कर रहा हूँ अपना, सेल्फ सर्वे, यहाँ ये HDFC वाले साइट पे जाके। भाई 2 बार सर्वेयर आया था उससे तो हुआ नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। सेल्फ इंस्पेक्शन तो कर ली हमने इस गाड़ी की, अब इसको अंदर लगाएंगे। इसके विंडशील्ड पे ना हल्का हल्का ना कलम गए थे, आपको तो अभी दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे देखो कीड़े मरे हुए दिख रहे हैं,
सेम आगे ना इस पे भी है अपना ग्रिल पे, तो इसको ना हल्का साफ करवा लेते हैं। वो कल हाईवे गए, वैसे हाईवे पे जाएंगे तो अल्टीमेटली ये होगा ही, पर ठीक है यार जब है तो करवा लेते हैं। कल रात में मैंने सोचा था, लेकिन रात में सारी टीम निकल गई थी। ये मनोज रुक जाओ, तुमसे बात करेंगे गायब रहता है, रुको रुको। ये मैट एडिशन ना क्या खतरनाक दिख रही है भाई, बहुत ही खतरनाक, मतलब इतना माफिया लुक आ रहा है ना इसका। बट इस पर ना अगर थोड़ा सा और ग्लॉसी करते ना, जैसे ये आर्चेज है ना, इनको अगर ग्लॉसी कर देते ना भाई, जैसे आगे दिख रहा है मैट और ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली वैसा लगता भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लगता। बाकी मैंने तो अपनी गाड़ी लगा दी है, थोड़ा सा बस आईपीए से क्लीन हो जाएगा, जो बक्स वक्स मरे थे ना, उसके बाद फिर कोई गाड़ी उधर काम हो जाएगा भाई। फाइनली अपना पेमेंट हो गया है एंड जिस चीज़ के वजह से ना मैं निकल नहीं पा रहा था, फाइनली वो हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। मैं सुबह से बैठ के थैंक यू सर मैसेज आया मनोज भाई का, चलो अभी पॉलिसी कॉपी आ जाएगी और यहाँ से सीधे भाग लूँगा। कहाँ जाऊँ आज, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, जयपुर, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, पुणे, गोवा, कन्याकुमारी, कहाँ जाऊँ? सेंड योर मोबाइल नंबर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट में भाई पॉलिसी आ रही है, आप देख लो ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कितना पे किया भाई। आप कमेंट करके बताओ कि एलसी का इंश्योरेंस का कितना। ओ पॉलिसी आ भी गई भाई, पॉलिसी आ गई, आ गई भाई। अब गाड़ी का क्या कराना है? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कराना है गाड़ी का ठीक है। एंड एक बार पॉलिसी पूरा चेक कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ करो ना भाई तो आप सारी चीज़ें पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो भाई, गाड़ी में वापस आ गए एंड दो तीन चीज़ें हैं। देखो इंश्योरेंस तो आ गया, अब दो तीन चीज़ें हैं जो अपने को करानी है बिफोर वी लीव फॉर द ट्रिप। अरे यार एक नंबर, मेमोरी सीट है ना वोकल, तो अभी वो जाके कराते हैं। सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर से ना कुछ सामान उतारना है। एक मैंने कल ना इसका विंडशील्ड माउंट मंगाया था, अब वो मंगा तो लिया था क्योंकि जो मैं पहले मंगाता था ना वो अवेलेबल नहीं था, बट इसका ना परफॉर्मेंस नॉट गुड। आदमी तो कोई खड़ा नहीं है, खड़ा होगा तो दब जाएगा भाई। इसको निकालते हैं, पहले फॉर्च्यूनर से ना कुछ सामान रखना है इसमें, वो रख देते हैं क्योंकि कल सुबह सुबह अपन निकलेंगे। आज ना ये सारी चीज़ें कराने के बाद कल सुबह सुबह अपन निकलेंगे, तो अभी क्या कराने जा रहे हैं अभी चेक कराते हैं, आपको फिर बताएंगे ना। अभी निकाल लेते भाई, ने तो ध्यान इधर उधर होगा ना भाई, लग गई तो गड़बड़ है। लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया है कोई टेंशन नहीं है, पीपीएफ भी हो गया है। ये वाला सही है ठीक है, ये वाला माउंट ना अपने को रिकॉर्ड करने के लिए सही था। फॉर्च्यूनर से ना बेसिकली रिकवरी किट निकाल लिया मैंने, और इसमें पीछे रिकवरी किट डाल दिया और ये माउंट निकाल लिया, क्योंकि अभी ट्रैवल के दौरान ना माउंट की ज़रूरत पड़ती है यार बहुत, वरना आप हाथ से ना पकड़ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो माउंट की ज़रूरत अपने को पड़ेगी। बाकी सही है, अभी निकलते हैं। ये कोई भैया आए हैं ब्लिंकेट से सामान लेके, अभी निकलते हैं। सबसे पहले ना इसमें तेल डलवाना है और इसका पॉल्यूशन करवाना है, पॉल्यूशन। हाँ पॉल्यूशन ये गाड़ी नहीं करती, लेकिन उसका सर्टिफिकेट तो चाहिए ना हमें कि भैया ये गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती, तो वो करवाना है भाई। एक इतना तगड़ा प्लान कर रहे हैं ना इस गाड़ी से। हाँ ये गाड़ी ली ही है इंडिया और इंडिया के बाहर ट्रैवल करने के लिए, तो एक बहुत तगड़ा सा प्लान है। बाकी पेट्रोल पंप पहुंच गए, हाँ पेट्रोल भराया था, सॉरी डीजल भराया था इसमें, लेकिन अभी डीजल भराना पड़ेगा। चलो जी खोल दो भैया, भर दो इसको लबालब भैया, फुल टैंक डीजल, डीजल फुल टैंक। हाँ ठीक है, और मैं वही कहूंगा कि बचपन से आज तक तो वही देखता आ रहा हूँ, देखते हैं कितना आता है भाई। इसका 110 लीटर का टैंक है, 80+30 मतलब 80+30, 80 मेन लीटर 30 रिजर्व लीटर, तो 110 लीटर टोटल फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब दो शायद डिफरेंट टैंक होगा, पता नहीं कैसे मैनेज करते। एक बार टोयोटा में पूछूंगा, कल पूछना भूल गया मैं, कल जाके पूछ लेना चाहिए भैया क्या हिसाब किताब है 80 चलने के बाद, क्योंकि ये जो दिखाता है ना ये 80 वाला दिखाता है, ये जो दिखा रहा है ना ये 80 वाला दिखा रहा है, और अभी अपनी गाड़ी एवरेज दे रही है 6.5 की, V6 ट्विन टर्बो 6.5 का एवरेज, वो भी डीजल में तो जो पेट्रोल में रहती तो 3 का एवरेज निकालती, लेकिन मेरे को BMW चलाने की आदत है ना, कोई टेंशन नहीं है भाई, आदत है एटलीस्ट उसका 100 octane से तो सस्ता आता है डीजल। ये वाला करने में ना बहुत मजा आता है भाई, अरे दाग छूट गया, अरे भाई इसको तो साफ कराना पड़ेगा अदरवाइज
जी का जंजाल हो जाएगा भाई। खुद गलती खुद से नहीं करना चाहिए था, खुद से नहीं करना चाहिए था। देखो दाग आ गया ना, आईपीए से साफ करना पड़ेगा। चलो अब तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, निकाल तो दो ही भाई। भाई फिलहाल ना इसका पोल्यूशन करा रहे थे, क्योंकि पोल्यूशन इम्पोर्टेंट है। अब इसमें वो वाला नंबर तो लगा नहीं है, तो इसी नंबर पे करा रहे हैं। अब वो कुछ दिन में वो नंबर लग जाएगा, आज इसकी आरसी आ जाएगी। बाकी डिजिटल आरसी तो मेरे पास आ ही गई है। अब फटाफट भैया पोल्यूशन निकाल दें। ये लीजिए भैया, थैंक यू। भाई भैया बहुत क्यूट थे यार, मतलब ये पर्ची ना एक्चुअली 100 रुपये का है। मुझे तो लगा कि शायद एक साल वाला जो बनता है ना 200 रुपये का रहता है, लेकिन उन्होंने मेरे से ना 100 रुपये ही लिए। हाँ कह रहे कि आप मजाक कर रहे थे, मैंने भी 150 आपको मजाक में ही बोला था। मैंने कहा मुझे तो सीरियसली नहीं पता था भाई इसका रेट, मैं तो आप मेरे से 200 ही मांगते तो मैं 200 ही दे देता। नहीं, ही वॉज वेरी क्यूट, वेरी ऑनेस्ट, टच हुआ मैं, टच भैया की बातों से टच हो गया मैं। इसको रख लेते भाई, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, इसको रख लेते हैं अपने इसमें, और फिर यहाँ से चलते सीधा ऑफिस। इसमें जो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है ना, वो 474 किलोमीटर दिखा रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, 474 इतना कम कैसे दिखा सकता है। अब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई कितनी चलेगी गाड़ी क्या। एक दो और चीज़ें हैं, इसका रिव्यू वीडियो हम शूट करते थे लेकिन कल हम शूट कर नहीं पाए थे। मैं इतना ज़्यादा ड्रेन था ना, इतना ज़्यादा ब्रांड्स के काम, यहाँ के काम, गाड़ियों का जो काम चल रहा है वो, और मिला जुला के ना वो रिव्यू वीडियो भी आज अगर होगा ना तो आज शूट कर लेंगे। देखते हैं, अगर इफ़ एट ऑल इट इज़ पॉसिबल देन यस वी विल डू दैट। एंड कल मैं इसको हाईवे पे ले गया था, ओ भाई साहब क्या। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तब तो आपने देखा ही होगा। बाकी भाई यहाँ तो आगे कुछ काम वाम चल रहा है। आप पहले घुस लीजिए भैया, आप पहले जाइए ना भाई। घुसे पड़े थे भैया, अच्छा BMW वाले ना, भग सकते हैं तुरंत। पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। जहाँ भैया ब्रेक मारेंगे वहाँ हम एक लीटर दबाएंगे। सारी की सारी ब्लैक दिख रही है, सारी ब्लैक भाई। नहीं ये कोई अलग नहीं, ये भी ब्लैक है, ये भी नहीं, ये थोड़ा अलग कलर है। टाइम दिखाऊं, 9:19 भाई। आज हमारे बे पे ना आई है कितनी मस्त गाड़ी जिसपे हम शूट कर रहे हैं, और वो इतनी मस्त है ना, वो आपको ETU स्टूडियो पे कुछ दिन बाद दिखेगा। मस्त भाई मस्त, मतलब मैं उस गाड़ी का ना कायल हो गया यार, फैन हो गया। अभी जा रहे हैं भाई अज्जू भाई से मिलने, ठीक है, क्योंकि फिर मैं मुंबई निकल जाऊंगा। तो फिर वैसे भी वो भी मुंबई आ रहे हैं लेकिन वो बाई रोड नहीं आ रहे हैं, वो फ्लाइट लेके आएंगे। मेरी भी इनफैक्ट फ्लाइट बुकड है, और मेरी 19 तारीख की फ़्लाइट बुक है एंड 20 की रिटर्निंग बुकड है। बट मेरे को फिर मुंबई पुणे ये जगह पे काम है, और शायद मैं सूरत भी रुकूं, क्योंकि अभिनव भाई से भी मिलना है, उनको भी तो गाड़ी दिखानी है ना भाई, अपने सारे भाई बंधु को गाड़ी पे बैठा के घुमाना है। क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए तो हम अगस्त में वहीं पर जाएंगे। तो मिला जुला के अच्छा रहा आज का दिन, मतलब मज़ेदार रहा भाई। बाकी एक बार चलते हैं, अब इस ट्रैफिक को झेल के आगे निकलते हैं, अज्जू भाई से मिलते हैं। भाई KTM वाले सही में पगला जाते यार, पावर हैंडल नहीं कर पाते भाई, पावर हैंडल नहीं कर पाते, इतना रैश चलाते। और मोस्टली KTM वालों के साथ होता है, पता नहीं क्या। अरे वरना वालों को बहुत तेज चलाने की आदत होती है, वैसे KTM वालों को भी बहुत तेज चलाने की आदत होती है। वरना नहीं, क्रेटा, वरना वाले भी तेजी चलाते यार, वरना वाले भी तेजी चलाते हैं भाई, एकदम मस्त उड़ाते हुए जाते भाई, उड़ाते हुए। क्रेटा वाले तो बहुत तेज चलाते भाई, बहुत तेज, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है भाई। क्रेटा वालों को हमेशा जल्दी रहती है, और पीछे से हॉर्न बजाते शुर से निकल जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही। साला गाड़ी में ही कुछ प्रॉब्लम है, ड्राइवर हमेशा सही रहता है, जब से क्रेटा ले लेता है ना तो पगला जाता है। चिल्ड पानी भी ना, चिल्ड पानी। नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाओ, बस ऐसे आओ। अच्छा ऐसे, वैसे तो ऐसे भी खुल जाएगा। नहीं चाबी में गर्म पानी, अब देखो 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 कैसे लॉक। अच्छा ये ऐसे करके लॉक हो जाती है, ये ऐसे। नहीं मैं अभी दूर हूँ ना। अच्छा मैं तो अकेले से, मतलब दबाना नहीं, जैसे यहाँ पे गया ना, हाथ लगा देखो अपने आप खुल गया, और ये जैसे दूर जाऊंगा तो ये लॉक। अच्छा, और अब ये देखो इधर सामने गया, जैसे खोला ये
और ये ना लिखा हुआ जब नीचे जाते ना तब ओ, दिखता है। इसमें भी लैंड क्रूजर। हाँ लैंड क्रूजर तो होगा ही भाई, बट वो खुलने पे ना गेट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है लाइट है, लाइट है भाई, ये तो तगड़ा है यार। हाँ चलो इसमें इतना रुपए में तो बैठा ही इतना तो दे रहा है। बट यार यार विकास भाई मैट तो चेंज करवा दे, मैट चेंज होगा भाई, मैट चेंज होगा। मैट ऑर्डर दे दिया भाई, बन रहा है कस्टमर भाई इसका, ये गाड़ी नहीं है तो मैट रेडी नहीं रहता ना, तो मैट ऑर्डर दे दिया। और ये कर्टन्स कितने के थे आपके बता दे? ये 50,000 रुपए कर्टन्स और 75,000 रुपीज का ये रेन वाइजर। रेन वाइजर बट रेन वाइजर का क्रोम और इसका क्रोम देखो दोनों सेम है। नहीं नहीं सेम है भाई। हाँ तो कंपनी ने पैसे, कंपनी हाँ भाई, लेकिन पार्ट्स बहुत महंगे हैं यार। एक चीज बताऊं, इन दोनों गाड़ियों को लेकर कैंपिंग करने चलेंगे यार भाई, तगड़ा। ये इंडिया में हुआ ही नहीं है। हाँ तगड़ा। अच्छा सॉफ्ट क्लोज नहीं है, सॉफ्ट क्लोज हम अपने तेज मार देंगे हाथ में। हाँ और ये किया लॉक हो गया देखो। बट भाई देखो मैं बताऊं ऑनेस्टली, देखो लोग को सोचते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए वर्थ इट नहीं है, बट अगर इस गाड़ी के फेस को देखे ना और इस गाड़ी के अंदर फील करें तो भाई वर्थ इट क्या भाई साहब, फाड़ के रख देती है। रोड पे चलता ना एक बार आदमी मुड़ के जरूर देता है कि लैंड एलसी जा रही, कोई मंत्री जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर ऊपर आप बत्ती लगा दो और इसमें हूटर लगा दो। हाँ, कोई, नहीं कोई नहीं रोकेगा। मैं कह रहा हूँ आप एक बार बेच सकते प्रधानमंत्री के आगे लड़ दी, कोई और प्रधानमंत्री जा रहा है ये भाई रोड पे ना लोग ना बहुत, अभी तो क्या ना कि मेरे को ये भी डर लगता है बाइक वाइक वाले ऐसे चल रहे हैं इधर देखते हैं तो वो डर लगता सटाने है, का डर सटाने का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब गर्मी में विकास भाई जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। हाँ एक फुट मेरे को भी ला दो यार, अभी तो खैर ऑन नहीं किया था मैंने, ऑन है यार, ठंडा है यार, बट बहुत ठंडा होता है। चिल्ड बियर, भयंकर चिल्ड बियर। हाँ भयंकर, आपकी दुकान इधर है। हेलो भाई, अब चलते हैं यहाँ से घर, काफी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 11 बज गए। अभी जाके ना अपने को पैकिंग करनी है क्योंकि कल सुबह सुबह अगला व्लॉग जो आप देखोगे ना इस गाड़ी के साथ रोड ट्रिप देखोगे, बहुत सारी प्लानिंग हुई। मतलब मुंबई अपन कब पहुँच रहे, मतलब मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, अज्जू भाई तो शायद 18 या 19 तारीख को पहुँचेंगे। अपनी 2-3 चीज़ें हैं जो करेंगे तो उसके हिसाब से अपन वही प्लान कर रहे थे कि क्या। और भाई बहुत सारी प्लानिंग, नेपाल की प्लानिंग, इधर की प्लानिंग, उधर की प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। चलो अच्छा है। बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी। चलो भाई पैकिंग करते करते देखो, एक बैग, दो बैग, तीन बैग नहीं ले जा रहा, तीसरा नहीं ले जा रहा, एक दो और एक ब्लेजर और वो टॉवल वो नहीं ले जा रहा। सुबह के लिए कपड़े उधर और बाकी कपड़े इधर फैला दिया। बाकी अभी कर रहा हूँ एडिटिंग, एडिटिंग करके ये सब निपटा के फिर सोऊंगा। देखता हूँ सुबह कितने बजे उठूंगा, कल उदयपुर, यस ये प्लान है। हाँ शायद अभी तक हो सकता है चेंज हो जाए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब। चैनल मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, चलते हैं, पीस।